ये लेक्चर कौन रहेगा? एनीवे एक क्लास में सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा, इससे मेडिकल वालों के इंपॉर्टेंट नहीं था। यहां देखिए देखिए, सिंपल पेंडुलम का प्रॉब्लम को इसका इसका टाइम पीरियड अगर हम लोग जो भी प्रॉब्लम एसएसएम का जिसमें टाइम पीरियड निकालना है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम को एक और मेथड से बनाया जा सकता है। मान लेते हैं एक थीटा है एग्रे और लेंथ एल है और सपोज कीजिए कि ध्यान समझिएगा, इसको हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल ले जीरो है। तो ए पोजीशन ए है और ए पोजीशन बी है, तो यहां पर तो हम लोग ये लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या यहां पे हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं? और एच का वैल्यू कितना रहेगा? एल माइनस एल कॉस थीटा। यस सर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, हाफ एम भी के मतलब क्या एल ओमेगा जी रहेगा ना सर? हाँ, भी के बदले क्या एल ओमेगा लिख सकते हैं? ये सर्कुलर मोशन का टाइप है ना इसका क्वेश्चन के लिए? यस सर। तो भी इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर का काम यहाँ पे एल करेगा, राइट? यहाँ तक आ जाइए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। एम से एम कैंसिल कर दें तो हाफ एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस जी एल और माइनस जी एल कॉस थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरमान आलम ध्यान से देखिएगा, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। यस सर। ये सेकेंड तरीका समझा रहा हूँ कि कैसे ऐसे हम का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट मेडिकल वाले बच्चों को इसमें लाने का कोई मतलब नहीं था, उनके लिए फर्स्ट तरीका ही काफी है। चलिए, इसमें क्या और कैंसिल हो सकता है? क्या एल कैंसिल कर दें? एक के लिए यहाँ बचा रहेगा तो हाफ एल ओमेगा स्क्वायर प्लस जी माइनस जी कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? यहां तक आप लोग को नजर आ रहा है? हाँ सर। यहां से यहां तक सिर्फ आपने क्या अप्लाई करके आ गया है? ओनली कंजर्वेशन
तो बी पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी और ए पे लिखे हैं, अलग रहेगा सेम रहेगा? सर ए बी आप बीच में कहीं भी लिखेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मैके, जब तक ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है तब तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग में टेंशन है बट टेंशन यहाँ पे स्मूथ कॉन्स्टेंट फोर्स है, टेंशन है बट वो वर्क नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब इक्वेशन फर्स्ट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें आप लोग दोनों तरफ, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये तो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। यहाँ पे वेरिएबल के नाम पे कौन रहेगा? अप्लाई कीजिएगा तभी क्लास आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। वेरिएबल क्या है? थीटा एंड ओमेगा। वेरी गुड, थीटा एंड ओमेगा। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले लीजिए, डी ओमेगा स्क्वायर बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस जी डी कॉस थीटा बाई डी टी इक्वल टू जीरो। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। चलिए इसका डिफरेंशिएशन हाफ एल डी ओमेगा स्क्वायर बाई डी ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी टी इतना लिख सकते हैं, एक ही बात है ना? यस सर। माइनस जी क्योंकि कॉस का डिफरेंस कॉस थीटा है तो उसका डिफरेंस तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही कर पाएंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन तो जानते ही होंगे आप, इक्वल टू जीरो ऐसा कर सकते हैं ना? यस सर। हाँ सर। चलिए हाफ टू एल ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? अल्फा। एग्री? यस सर। यस। और अल्फा को क्या डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिखते हैं? सर। माइनस जी कॉस का इंटीग्रेशन कितना? साइन। साइन माइनस साइन ना? यस सर। और डी थीटा बाई डी टी क्या था? ओमेगा इक्वल टू जीरो, ए और ए आपस में क्या हो गया? कैंसिल। टू और टू आपस में क्या हो गया? कैंसिल। देन डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? माइनस जी बाई एल साइन थीटा। और इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, राइट? वेरी वेरी स्मॉल। Then साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होता है? थीटा। तो क्या डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी बाई एल थीटा लिख सकते हैं? Sir. ऐसा ही तो हम लोग को सिंपल पेंडुलम का फर्स्ट मेथड से आया था, ये सेकेंड मेथड पढ़ाया और सेकेंड मेथड से इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगाए और उसको दोस्तों टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। सॉल्व करने का तरीका सीख के ये दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. अब यहाँ तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा यहाँ वाला ओमेगा ये नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर ऐसे सिंबल ओमेगा, राइट? हाँ सर। बड़ा वाला ओमेगा जी बाई एल का काम करेगा, रूट ओवर जी बाई एल। तो टाइम पीरियड कितना जाएगा? टू पाई बाई ओमेगा, टू पाई रूट ओवर एल वाई। बस मुझे एक मेथड सिखाना था, ऐसे भी कर सकते थे, राइट? यस। यहां तक आ जाइए। हो गया? यस सर। यस सर।
एचसी वर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबके पास एचसी वर्मा होगा ही, क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। यस सर। क्वेश्चन पढ़ लिए? हाँ सर। क्वेश्चन क्या है? द सिस्टम इज, मैं क्वेश्चन पढ़ के एक बार मैं भी समझ देता हूँ। द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सेंटर बाय अ थिन वायर ऑफ टॉर्सनल कांस्टेंट के, राइट? यस सर। ईच बॉल ऑफ मास एम कनेक्टेड बाय अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल, द रॉड इज रोटेटेड अबाउट द वायर थ्रू एन एंगल थीटा नॉट and released. Find the tension of the rod as the system pass through the mean position. System कहां से pass करेगा? जब mean position से pass करेगा तो rod में कितना tension होगा? Is it clear? Yes sir. चलिए, और एक एक क्या है, thin wire है। हाँ sir. यहां देखिए स्टूडेंट, ये अगर वायर है तो इस वायर का इस लाइन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलिएगा? जीरो। वेरी गुड। वायर जिस एक्सिस के अबाउट रखा हुआ है उसी एक्सिस के अबाउट अगर चाहिए तो सारा मास, तो यहाँ पे वायर का हर पार्टिकल का मास का एक्सिस का डिस्टेंस क्या रहेगा? जीरो रहेगा, राइट? यस सर। इसका मतलब है कि हम लोग क्या किए हैं, इसको थीटा एंगल से इस वायर को ऐसे रोटेट किए हैं और मुझे इस एक्सिस, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, अब क्वेश्चन तो आपको पढ़ लिया ना। हाँ सर। इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो वायर का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, अरे रॉड है लाइट रॉड मतलब ऑलमोस्ट मासलेस, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? जीरो। तो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकलेगा? इन दोनों पार्टिकल का। एग्री? यस सर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इक्वल टू व्हाट? एम एल बाय टू आर स्क्वायर इनटू टू। अगर मैं सही हूं तुम बोलिए। यस सर। ठीक है ना? हाँ सर। टू एम एल स्क्वायर बाय फोर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एम एल स्क्वायर बाय टू। एग्री? यस सर। चलिए, उसके बाद टॉर्सनल पेंडुलम के लिए टॉर्क इक्वल टू क्या था? माइनस के थीटा। यस सर। के थीटा, और इसके लिए क्या लिखते हैं? आई अल्फा। और आई अल्फा को क्या लिखते हैं? डी ओमेगा बाई डी टी। यहां से अगर आप केयर करेंगे, यहां देखिए तो अल्फा इक्वल टू माइनस के थीटा बाय आई। आपका अल्फा कांस्टेंट है, वेरिएबल है सर, अल्फा वेरिएबल है, इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, राइट? हां सर। कुछ ऐसा है कि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, नहीं? तो यहां पे अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? थीटा। यहां तक करेक्ट? यस सर। सर और I का वैल्यू हम लोग को पता है, बाद में पुट कर लेंगे, बट इसको डी ओमेगा बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं किसी पर्पस के लिए। यस सर। लिख सकते हैं। ये कितना है स्टूडेंट? यहां तक देखिए तो आगे। यस।
चलिए तो ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू माइनस के बाई आई थीटा डी थीटा लिख सकते हैं अरमान आलम? हाँ सर। थीटा नॉट से जीरो, कितना कहां से स्टार्ट किए थे? थीटा नॉट घुमाते छोड़ दिए, राइट? यस सर। और जहां से वहां से रिलीज किए थे तो ओमेगा से जीरो से ओमेगा, राइट? हाँ सर। हाँ सर, वो थीटा का लिमिट समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़ते नहीं हैं आप, सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ पे खड़ा ये हो जाता है मेरे लिए। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। बाहर को कितना एंगल से रोटेट करके करने के बाद रिलीज किए थे? थीटा नॉट। तो लिमिट कहाँ से लेंगे? इनिशियल थीटा क्या था? थीटा नॉट। यस सर। जब मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसमें बायर का क्या थीटा क्या रहेगा? जीरो। ओके सर। क्वेश्चन भाई कम से कम ध्यान से पढ़िए, सॉल्यूशन नहीं होगा मैं करूंगा। आप क्वेश्चन पर एक एक लाइन पढ़ के रखना है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पता ही नहीं, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, सॉल्व क्या कर रहे हैं? नॉट सर, पता था वो जीरो सॉल्व नहीं है। मीन पोजीशन पे एंगल कितना रहेगा? मीन पोजीशन से तो एंगल मेजर कर रहे हैं। यस सर। यस सर। तो ओमेगा स्क्वायर बाई टू इक्वल टू व्हाट? बोलिए थीटा कितना लिखिएगा? थीटा स्क्वायर बाई टू क्या लिखेंगे? स्क्वायर बाई टू। थीटा नॉट से जीरो, तो ओमेगा स्क्वायर बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस, इसका लिमिट लीजिएगा, बीच में माइनस रहेगा, राइट? माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो मैं और टू से टू कैंसिल करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एक बार जे में आया हुआ है, ठीक है? के थीटा नॉट स्क्वायर, यहां तक तो आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि सर निकालना था टेंशन, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके पीछे का मैं वजह बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया? यस सर। चलिए यहाँ तक तो समझ में, किसी को कोई समस्या नहीं है? नो सर। नो सर। सुरैया ज्वाइन किए हुए हैं? यस सर। जो एसएसएम का प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास में बोलूंगा उसको एकदम कंपलसरी ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो रहेगा। यस सर। बहुत तगड़ा तगड़ा बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम लेने वाला हूँ। दोबारा एडवांस के लिए प्रॉब्लम नहीं लूंगा, एसएसएम को यहाँ पे ही खत्म करता हूँ, ठीक है? यस सर। अब यहाँ देखिए, इसके मोशन किसी एक पार्टिकल का, इस पार्टिकल का मोशन को अगर माइनूटली आप ग्राउंड से देखते हैं स्टूडेंट, इसका मोशन कैसा नजर आएगा? ठीक है, इसका मोशन ऐसे रहेगा, नहीं ऐसे करते हुए? यस सर। राइट, देख रहे हैं मुझे? यस सर। बट नहीं था कि इसका मोशन इस काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन? यस सर। पार्ट ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल। तो एक्चुअल में यहां देखिएगा, इसका मोशन सर्कुलर मोशन है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है? दो, एक तो फोर्स mg लग रहा है, राइट? यस सर, एक्सेंट। आई एग्री, बट mg को कौन बैलेंस करेगा? mg को कौन बैलेंस करके रखे हुए है? टेंशन। बोलिए सर, रॉड, रॉड ही तो होल्ड करके रखा हुआ है। यस सर। इसका मतलब है कि रॉड एक फोर्स इधर लगा रहा है, राइट? यस सर। mg को बैलेंस करने के लिए F1 कौन लगाया? रॉड ने लगाया, एग्री? यस सर। बट ये तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई वो तो पार्टिकल है जो गिर जाएगा ना नीचे, अगर नहीं लगाएगा तो कोई तो ऐसा होल्ड करके रखा होगा। इसका पार्टिकल मोशन है क्या इस पार्टिकल का? नहीं है, लॉजिकली तो यही बोलना पड़ेगा, राइट? यस सर। यस सर। दूसरा बात, लेकिन
अब इतना बार आप लोग यस सर बोल दिया कि मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं बोला था कि थाना बोलते रहिए। एनीवे, अब M1 और MG इन दोनों का कंपोनेंट क्या टुवर्ड द सेंटर आएगा? नो सर। और सर्कुलर मोशन के लिए, अगर सर्कुलर मोशन है तो डैम फिर एक एक्शन टुवर्ड द सेंटर भी रहेगा। यस सर। एक एक्शन एट एनी टाइम टुवर्ड द सेंटर भी रहेगा। तो टुवर्ड द सेंटर के लिए एक और, इसका मतलब रॉड को दो फोर्स लगाना पड़ेगा। रॉड को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? दो फोर्स। एक क्या मेंटेन करने के लिए? Mg को। और दूसरा क्या प्रोवाइड करने के लिए? फोर्स टुवर्ड द सेंटर। फोर्स टुवर्ड द सेंटर। लेकिन अब आप लोग का समस्या ये रहेगा कि सर यहाँ पे एक समस्या क्या आ गया, बोलिए क्या आ गया? यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि एक्चुअल में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल का मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एग्री? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ओमेगा यहाँ से निकाले होंगे तो ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ क्या है? थीटा है। यस सर। यस सर। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है और एक टेंजेंशियल भी होता है, राइट? हाँ सर। यस सर। लेकिन मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बिकॉज मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम रहता है। इसे मीन पोजीशन पे कौन सा एक्सेलरेशन जीरो है? 80 इक्वल टू आर अल्फा तो लिख सकते हैं ना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन एक रिलेशन दिए थे, राइट? यस सर। 80 इक्वल टू आर अल्फा, तो यहाँ पे आई इंटू अल्फा इक्वल टू क्या था? माइनस के थीटा, देन अल्फा इक्वल टू माइनस के वाई आई थीटा। और जब थीटा जीरो रहेगा तो अल्फा भी जीरो रहेगा, तो 80 भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इसलिए अगर मीन पोजीशन को छोड़कर कोई और पोजीशन बोलते तब यहाँ पे इसको दो टाइप का फोर्स लगाना पड़ता है, एक F2 और एक F3 भी। तो तीन फोर्स रॉड को लगाना पड़ता, एक F1 ऐसे लगाना पड़ता, मार्कर मेरा देखिए Mg नीचे ना, Mg नीचे ऐसे। हाँ सर। नहीं ना, ये लोग समझ रहे हैं, इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, अगर मीन पोजीशन को छोड़कर कोई और पोजीशन रहता तो रॉड को तीन फोर्स लगाना पड़ता। यहाँ देख रहे हैं मेरे मार्कर को? Yes, एक ऊपर F1 वो Mg को बैलेंस करता, एक F2 जो फोर्स टुवर्ड द सेंटर, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर प्रोवाइड करता, और एक F2 चाहे इधर या इधर, जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते रहता या तो एक्सेलरेटर रहता, और एक्सट्रीम मीन से एक्सट्रीम की तरफ डी एक्सेलरेटर रहता, तो हम लोग इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, जो 80 प्रोवाइड करता। क्या प्रोवाइड करता? 80, राइट? यस सर। यस सर। और इन तीनों का तब और भी भयानक काम हो जाता है, बट आप लोगों को पे थोड़ा दया कर दिया गया और मीन पोजीशन पे पूछा गया है। एग्री? तो जब मीन पोजीशन पे पूछा गया तो अल्फा जीरो रहेगा तो 80 भी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो सिर्फ रॉड को दो फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, Mg को बैलेंस करने के लिए और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। एग्री? यस यस सर। तो अब यहां देखिए, क्या F2 इक्वल लिख सकते हैं M into centripetal acceleration? हाँ सर। और इसके लिए ओमेगा स्क्वायर आर, ओ और ओमेगा स्क्वायर आर का काम यहाँ पे कौन करेगा अरमान? L/2। L/2। यस सर। और ओमेगा स्क्वायर तो आपके सामने है, इसका मतलब F2 क्या हो जाएगा? M, बोलिए, KYI थीटा नॉट का स्क्वायर L/2। एग्री? यस सर। यस सर। तो फोर्स
रिजल्टेंट फोर्स ये क्या है, फोर्स ऑन मास ड्यू टू रॉड, नहीं था एफ वन और एफ टू का रिजल्टेंट रहेगा, रॉड तो यही तो फोर्स लगा रहा है ना, क्वेश्चन में मुझे यही निकालने के लिए बोला पूछा गया है, हाउ मच फोर्स एग्जर्टेड बाय रॉड ऑन द पार्टिकल, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, एफ वन एंड एफ टू राइट, एफ वन तो पता ही है कितना, एम जी के बराबर, और एफ टू तो आपके सामने है, अब बढ़िया से सॉल्व करके आंसर मिलाइए, आंसर आता है यहाँ पर, आ गया सर, मूवमेंट आ गया ना, यस सर, तो एक आपने एक बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व किया, ओके, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा आसान था क्योंकि मीन पोजीशन पूछा गया था, थोड़ा टफ हो जाता, टफ नहीं होता उस वो भी निकल जाता, हम लोग ऐसे रहता तो हम लोग क्या करते, एफ टू और एफ अगर तीन रहता, एफ वन एफ टू एफ थ्री, तो पहले एफ टू एफ थ्री का रिजल्टेंट निकालते, अरे एफ टू एफ थ्री का रिजल्टेंट रहता उस पर एफ वन परपेंडिकुलर होता, इमेजिन कर लीजिए, तब फिर हम लोग उसका उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते राइट, सर यहाँ पे एम स्क्वायर के स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर को कोई कांस्टेंट मान लिया गया है, कांस्टेंट मान लिया गया है, हाँ सर एक क्वेश्चन, लेकिन मुझे ऐसा हालांकि जेएमएन में भी आ सकता है कोई भी सरप्राइज, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल का ऑब्जेक्टिव हो सकता है नहीं, यस सर, जेएमएन में ज्यादातर सर फ्लूइड से मिक्स करके पूछा गया है, देखो प्रीवियस ईयर में तो फ्लूइड से मिक्स करके मैं बहुत क्वेश्चन यहां पे ऐसे में करवा दूंगा, ठीक है, हां सर, इतना आसान है कि आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बहुत आसान है, चार पांच क्वेश्चन करते करते आप रिदम में आ जाइएगा, नहीं पढ़ा हुआ रहता है ना तो चीजें थोड़ा आसान क्वेश्चन में टफ लगने लगता है राइट, इसका मैं लैंग्वेज नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट मैं बता दूंगा कि लैंग्वेज क्या है, ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज लोकेटेड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल फील्ड, वन डायमेंशनल पोटेंशियल फील्ड का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ वन ऑफ द कोऑर्डिनेट राइट, यस, लाइक इन दिस एग्जांपल पोटेंशियल इज ओनली द फंक्शन ऑफ व्हाट, एक्स, ओनली वेरिएबल इज एक्स, एक क्वेश्चन था, फाइंड द पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन
दैट द पार्टिकल परफॉर्म, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन दैट द पार्टिकल परफॉर्म अबाउट इक्विलिब्रियम पोजिशन. सर पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन के बाद क्या सर? फाइंड द पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन दैट द पार्टिकल परफॉर्म अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन. ऑसिलेशन होगा तो उसके लिए तो ये जानना पड़ेगा ना कि किसके अबाउट हो रहा है. यहां देखिए स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखिएगा? तो सर एफ एक्स के लिए वर्क पावर एनर्जी यहां पढ़ाए हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स. ऐसे तो मैं लिखता था एफ एक्स इक्वल टू नहीं माइनस डेली बाई डेल एक्स, जहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल रहता था, राइट? बट दिस पोटेंशियल एनर्जी, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है? यस सर. तो यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम जो फंक्शन ऑफ एक्स, दैट्स व्हाई आप कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. तो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो यूनिट का डिफरेंस जीरो, तो क्या हो जाएगा जब बोलिए तो डिफरेंशिएशन करके? यूनिट साइन ए एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, ये तो बाहर आ ही गया सर, इनटू ए लिख चुके हैं वहां, देखिए. हाँ सर सही. यस सर. चलिए एट एक बढ़िया प्रॉब्लम है, सोर्स ये है. एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ एक्स क्या होता है श्यामना? जीरो. तो एफ एक्स जीरो करेंगे. आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं मैथमेटिक्स में? यस सर. वेरी गुड. आज आपको लाइफ में पहला फील हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री बना के कितना बढ़िया काम किए थे. तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, देन साइन एक्स इक्वल टू जीरो, राइट? देन एक्स इक्वल टू व्हाट? एन पाई. वेरी गुड, एन पाई. तो एक्स इक्वल टू एन पाई बाई ए, नहीं? यस सर. जहां पे एन क्या रहेगा? जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर. सर समस्या बहुत भारी हो गया, बहुत सारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, राइट? यस सर. एक ही इक्विलिब्रियम मिला या बहुत सारा इक्विलिब्रियम मिल गया है? एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो भी है. जब एन का वैल्यू जीरो लेंगे फिर एक एन का वैल्यू और वन लेंगे तो एक्स का वैल्यू पाई बाई ए भी है. इसका मतलब मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नहीं? जो भी पुट करते रहे प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन, राइट? यस सर. चलिए सर, लेकिन एंगल जीरो से 180 तक ट्राई कर सकते हैं ना? नहीं, इसमें ये नहीं था कि जीरो से 180, यहाँ पे था कि कोई मेरा एक पार्टिकल है जो अलोंग एक्स एक्सिस इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, राइट? तब अगर ऑसिलेशन करता है, मतलब इसमें कहीं भी ऑसिलेशन कर सकता है, वो इस एक्स एक्सिस पे कहीं भी ऑसिलेशन कर सकता है, बट ऑसिलेशन वहां ही करेगा ना जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा. तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हम लोग पास बहुत है. अब इस बहुत में देखना है कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट? यस सर. यहाँ पे ये नहीं था, ये सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन नहीं है. एक कोई मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसमें कोई हो सकता है कि पार्टिकल इस एक्स एक्सिस पर किसी फोर्स की वजह से, अब वो उसके वजह से पोटेंशियल जैसे वेरी कर रहा है, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है, राइट? यस सर. अब चलिए, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो कितना सारा जगह पे हो सकता है, कितना सारा जगह पे? एक्स इक्वल टू जीरो पे हो सकता है, प्लस माइनस पाई बाई ए पे हो सकता है, एग्री ना? प्लस माइनस टू पाई बाई ए पे हो सकता है,
प्लस माइनस थ्री पाई, आप लोग समझ पा रहे हैं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब आप हम लोग को देखना है डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले डी यू बाई डी एक्स निकालिए, डी यू बाई डी एक्स क्या होगा? एक मिनट, कहीं पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या? माइनस साइन छूट गया, यहाँ माइनस छूट गया है? नहीं। यस सर। चलिए, हालांकि उसपे उसपे आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बट फिर भी माइनस छूटा हुआ था। एनीवे, डी यू बाई डी एक्स कीजिए तो डी वाई डी एक्स क्या आएगा? U not A sin AX, agree? Yes sir. और dt by dx square कीजिए, क्या आएगा? Minus U not A square cos AX. Cos AX. अब मेरा one of the point, it is very important to note that मेरा वन ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू जीरो भी है, राइट? x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे इसको पुट कीजिए। x इक्वल टू, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन इतना सारा है तो x इक्वल टू जीरो यहां पुट करते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, राइट? तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव? एग्री? यस। और x इक्वल जीरो पे वैल्यू जीरो है तो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हो गया ना। मैक्सिमा और मिनिमा होने के लिए क्या करते हैं, पहले वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब वर्टेक्स निकालते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे x इक्वल जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैथमेटिक्स से मिनिमम रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है? हाँ सर। और जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा होता है वहां पे स्लोप जीरो होता है, तो स्लोप x इक्वल जीरो पुट कीजिए, स्लोप जीरो भी है। यस सर। इसका मतलब है कि ओरिजिन पे x इक्वल टू जीरो इज द पोजीशन ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? यस सर। एक तो स्टेबल मिल गया, अब x इक्वल टू पाई, पाई बाई ए अगर पुट करते, अगर यहाँ पे x इक्वल टू पाई बाई ए पुट करते तब कितना आता? निगेटिव आ जाता। हाँ सर। बोलिए भाई। x इक्वल टू पाई बाई ए पुट करते तो कॉस पाई भी रहता, राइट? जी सर। cos पाई, और अगर माइनस पाई बाई ए पुट करते तभी cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो पाई बाई ए प्लस पाई बाई ए माइनस पाई बाई ए दोनों केस में क्या रहता है? निगेटिव रहता। इसका मतलब है कि x इक्वल टू प्लस पाई बाई ए, ए क्या है? अनस्टेबल। ए कौन सा रहेगा? अनस्टेबल। ए क्या रहेगा? अस्टेबल। ए क्या रहेगा? अनस्टेबल, राइट? यस। यहां तक आइए, आप लोग समझ पा रहे हैं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसका मतलब है कि सर बहुत सारा अनस्टेबल और अस्टेबल मिल रहा है। x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू पाई बाई ए, x इक्वल टू टू पाई बाई ए एंड सो ऑन, x इक्वल टू माइनस पाई बाई ए, माइनस टू पाई बाई ए एंड सो ऑन। ये अगर स्टेबल है तो ए अनस्टेबल है, फिर ये स्टेबल है, फिर ए अनस्टेबल है, ऐसे चल रहा है। इसका मतलब मेरा ऐसा सिचुएशन है जिसमें स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल अनस्टेबल, राइट? यस सर। अब तब बोला गया था फाइंड द पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन दैट द पार्टिकल परफॉर्म अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब है कि या तो इसके अबाउट ऑसिलेशन करेगा
बिकॉज सोल्यूशन ऑलवेज स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट होता है, या इसके अबाउट करेगा या इसके अबाउट करेगा, ये इसका मतलब बहुत सारा पॉइंट के अबाउट एक ऑसिलेशन कर सकता है। तो सबसे मेरे लिए कन्वीनियंट कौन है, ओरिजिन ले लेके चलते हैं, राइट? एग्री? यस सर। तो अगर यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर इसके अबाउट हम लोग सोचते हैं ऑसिलेशन, कम से कम ये तो एक स्टेबल मिल गया, तो इसके अबाउट देखते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है बोलिए, यू नॉट ए साइन ए एक्स था ना, एग्री? हाँ सर। और अगर इसको वेरी स्मॉल अमाउंट से अगर x इक्वल टू x, बट इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो अगर x वेरी वेरी स्मॉल रहेगा स्टूडेंट, और साइन x तो थीटा का काम करेगा, साजी ध्यान से देखिएगा। यस सर। तो x अगर वेरी वेरी स्मॉल रहेगा तो नहीं लगता कि a वैल्यू भी वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। यस सर। और एक काम थीटा का कर रहा था, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, अब मैं किसके अबाउट सोच रहा हूँ, एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट, राइट? यस सर। तो क्या एफ एक्स इक्वल टू माइनस यू नॉट ए एक्स लिख सकते हैं? Yes, किस सिचुएशन के लिए, इस केस के लिए? और एम इंटू ए एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर यू नॉट एक्स, अब बोलिए तो ax इक्वल टू व्हाट, माइनस ए स्क्वायर यू नॉट बाई एम एक्स, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, ए ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है, राइट? हाँ सर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया, एक क्वेश्चन तो पूछना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं मजा आ जाएगा, आ जाएगा तो, अब आएगा तो मजा आ जाएगा, पहले कभी में आएगा तो मजा नहीं आता, टाइम प्रेडिकल टू पाई बाई ओमेगा, ये नहीं आएगा, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है भाई, तो टू पाई बाई रूट ओवर एम बाई ए स्क्वायर ओमेगा, दिस इज आंसर, ओके? यस सर। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप मेरे से एक्स्ट्रा एक कप चाय पी लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था। हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे भी पढ़ना है आज, अच्छा अच्छा कलेक्शन लिए हुए हैं प्रॉब्लम का। फिर हो गया, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरोडॉप का ही, क्वेश्चन नंबर 4.17। देखिए, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय वेरी स्मॉल distance from equilibrium position. Sorry, if particle is displaced by very small distance
from equilibrium position. सॉल्व किया जाए. yes. सबसे पहले तो इक्वेशन कुछ निकालना पड़ेगा, उसके लिए एफ एक्स निकालना पड़ेगा, राइट. एफ एक्स इक्वल टू व्हाट? माइनस डी यू बाई डी एक्स. माइनस डी यू बाई डी एक्स. डिफ्रेंशिएट की जगह क्या आएगा अरमान? माइनस थ्री ए बाई एक्स क्यूब. माइनस थ्री ए बाई माइनस सर माइनस टू सॉरी माइनस टू ए बाई एक्स क्यूब. माइनस टू ए बाई एक्स क्यूब. और यहाँ पे प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर. बी बाई एक्स स्क्वायर. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो एफ एक्स जीरो होता है ना श्याम? ना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एफ एक्स क्या होता है? जीरो. तो माइनस टू ए बाई एक्स क्यूब अब प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. एग्री? तो यहां से x का वैल्यू कितना? x का वैल्यू बताइए. वन बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए ना. माइनस टू ए बाई एक्स अब प्लस बी इक्वल टू जीरो. अब वन बाई एक्स स्क्वायर को जीरो करेंगे नहीं. yes. दो फैक्टर है बट वन बाई एक्स स्क्वायर को जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट? हाँ सर. इन्फिनिटी पे जाके तो आप ऐसे जम करेंगे नहीं. तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टू ए बाई बी. फाइनाइट. फाइनाइट दो सर, दो ब्रैकेट है, दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है. इसको जीरो की जगह तो एक्स हो जाएगा प्लस माइनस इनफिनिटी. तो मतलब थोड़ा अनयूजुअल है कि इनफिनिटी में जाके आप ऐसे जब कर रहे हैं, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, तो ऐसे इनडिटरमिनेट फॉर्म होंगे, राइट? यस. तो अगर होने या नहीं होने का चांस तो अब यहाँ पे ही बनता है जहां पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रैक्टिकली. तो एक्स इक्वल टू टू ए वाई बी. यहां तक आ गए? अब चलिए, इसका मतलब एक फाइनाइट इक्विलिब्रियम पोजीशन मिला हुआ है x इक्वल टू ए वाई बी पे. अब हम लोग क्या करेंगे? डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल. इसको डबल डिफरेंशिएशन करके बताइए फर्स्ट. तो किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए फॉर एग्जीक्यूटिंग द एसएचएम या ऑसिलेशन? स्टेबल चाहिए, राइट? Yes, sir. तो दो बार डिफरेंशिएट कर पाएंगे? हाँ सर. फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने से ए मिल गया और माइनस माइनस बिकम्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर. नहीं, अब फिर से अगर सॉरी एक बार डिफरेंशिएट करने से और डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाएगा? माइनस टू बी बाई एक्स क्यू, राइट? यस सर. अब उसमें x इक्वल टू टू ए बाई बी यहाँ लाके पुट करें. अगर पॉजिटिव आ गया मतलब x इक्वल टू ए बाई पे मिनिमम रहेगा और निगेटिव आ गया मैक्सिमम रहेगा. सिक्स ए टू ए बाई बी के पावर फोर माइनस टू बी टू ए बाई बी के पावर क्यू. एक काम कीजिए ना, इतना करने का क्या रिक्वायरमेंट है? वन बाई एक्स को बाहर निकाल लीजिए तो सिक्स ए बाई एक्स माइनस टू बी. अब इस ब्रैकेट का साइन देख लीजिए, एक्स यहाँ तो पॉजिटिव ही है तो एक्स भी तो पॉजिटिव ही रहेगा.
इसका साइन क्या होगा, ये डिपेंड करेगा इस ब्रैकेट पे, राइट? यस सर। क्या आया इस ब्रैकेट का साइन? इतना देर में तो कहां रेलगाड़ी कहीं से कहीं चला जाएगा सर? नेगेटिव। नेगेटिव? नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। 3b-2b पॉजिटिव है। b ऊपर चला जाएगा, 3b-2b इक्वल टू b। ठीक है, क्या समस्या है इसमें? x इक्वल टू 2a/2 b पुट करें हैं तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू b रहेगा, राइट? हाँ सर। चलिए, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सर x इक्वल टू 2a/b, ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन? स्टेबल। और इसके अबाउट SHM करना है, तो SHM करने के लिए भाई x इक्वल टू -kx, x का पावर 1 आना पड़ेगा, राइट? इस टाइप का डेवलप होना पड़ेगा, तभी SHM होगा, तभी SHM नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन का खासियत है, बस यहाँ इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। एग्री? यस सर। तो मान लेते हैं कि यहां से ये है x इक्वल टू 2a/b, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2a/b प्लस x। मानते हैं कि वेरी स्मॉल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं e बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? e क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से। एग्री? तो यहाँ का कोऑर्डिनेट, उसके यहाँ का कोऑर्डिनेट रहेगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 2a/b, x का 2a/b प्लस e, कुछ e मान लिए, e इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप उसको x इक्वल टू x भी मान सकते हैं। तब fx इक्वल टू क्या हो जाएगा? fx इक्वल टू क्या आया था? -du/dx -2a/2 2a/x³ - b/x²। यस सर। माइनस था या प्लस था? माइनस, आगे में माइनस था ना, तो उससे बीच आगे में प्लस और बीच में माइनस। यहाँ पे क्या रहेगा सर? आगे में प्लस, बीच में माइनस होगा सर। b/x²। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। यस सर। चलिए, यहाँ पे 2a/b यहां से कॉमन निकालिए। 2a/b कॉमन निकाल सकते हैं? कॉमन निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 2a/b का क्यूब हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो क्यूब ना। यस। 1 + ey 2a/b। एग्री? यस। Yes,
टू ए बाई बी का स्क्वायर कॉमन निकालिए, वन प्लस ई, समझ रहे ना, मैं कोई एक डिस्टेंस लिया था, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसको मैं ई से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है? यस, यहाँ तक आइए. चलिए एफ एक्स इक्वल टू टू ए बाय बी का क्यू वन प्लस ई बाय टू ए बाय बी के पावर माइनस थ्री लिख सकते हैं, माइनस बी बाय टू ए बाय बी का स्क्वायर वन प्लस ई बाय टू ए बाय बी का माइनस टू. और ए वैल्यू ई बाय टू ए बाय बी लेस लेस देन वन है, क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि क्यूबियम पोजिशन से वेरी स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है, ज्यादा या वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, के लिए ये वैल्यू क्या रहेगा, लेस लेस देन वन. क्या यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन सोच पाएंगे? यस सर. एक क्वेश्चन का कंडीशन था, इसका मतलब वन माइनस थ्री ई बाय टू ए बाय बी माइनस बी बाय टू ए बाय बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन माइनस टू ई बाय टू ए बाय बी. टू ए बाय बी कौन सा एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट? यस सर. चलिए टू ए बाई बी का क्यू माइनस जिसको बाहर ले सकते हैं उसको बाहर ले लीजिए, कॉमन कह सकते हैं बी क्यू बाई एट ए क्यू, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं टू ए माइनस टू ए इंटू थ्री बी बाई टू ए, मैंने इस टर्म को कॉमन ले लिया यहां से, ठीक है, और उसको टू ए से मल्टीप्लाई किया,
और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस वन, माइनस माइनस बिकम्स प्लस टू पी बाई टू ए, देखिए तो कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है कहीं पे, एक वहां पे ए आएगा कहां पे पर माइनस बी क्यूब बाई एफ ए क्यूब लिखे हैं तो वहां एफ ए स्क्वायर होना चाहिए ऊपर का एफ ए क्यूब। यहाँ तक सही है, वन माइनस थ्री अच्छा सही है, सही है कोई बात नहीं। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ माइनस वन ओके, फिर वहां लेकिन एट फोर आना चाहिए माइनस बी कहाँ पे माइनस बी क्यूब बाई फोर ए ओके फोर ए स्क्वायर होना है, यस सर फोर ए क्यूब होना चाहिए नहीं सर स्क्वायर राइट फोर ए स्क्वायर, वही लग रहा था कुछ गड़बड़ चल रहा है, अभी तो सही है। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेते हैं, बी क्यू बाई फोर ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यस तो बी क्यू बाई फोर ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या टू ए बाई टू ए, नहीं टू ए यहां भी तो टू ए बचेगा, तो टू ए बाई टू ए क्या हो गया इसका मतलब वन माइनस थ्री बी बाई टू ए इंटू ई, और यहाँ पे भी क्या ले लिए थे माइनस वन प्लस टू बी बाई, ये तो सही है ना टू ए और टू आपस में बी बाई ए और ए आपस में कैंसिल, तो बी क्यू बाई फोर ए स्क्वायर और यहाँ पे कॉमन लीजिए बी बाई ए, तो बी बाई ए अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचा माइनस थ्री बाई टू ई राइट प्लस ई हाउ मच माइनस हाफ ही बोलिए क्या रहेगा बी क्यू बाई फोर ए स्क्वायर बी बाई ए माइनस यहां देखिए, अरे एक क्या था एक्चुअली एक्स ही तो है, क्या है इट इज काइंड ऑफ व्हाट एक्स यहां तक आइए देखिए तो बीस इक्वल टू लिख सकते हैं, हो गया ना
यस और इसको क्या हम लोग कैपिटल एक्स मान सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू माइनस बी फोर बाई एट ए के पावर फोर एक्स यहाँ पे एक्स इक्वल टू बी के पावर फोर बाई एट एक क्यूब होगा ना सर और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो एक ही बात है ना yes. और जहां पे x इक्वल टू जीरो रहता है जहां पे x जीरो वही तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वही तो इक्विलिब्रियम पोजीशन रहता है तो x इक्वल टू जीरो कीजिएगा तो x इक्वल टू जीरो करेंगे मतलब x माइनस टू ए बाई बी इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू तो पहले से पता है किसके अबाउट सिस्टम होने वाला है तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का काम कौन करेगा तो टाइम पीरियड ऑफ पोजीशन कितना हो जाएगा टू पाई यहाँ सारा काम था इस इक्वेशन को डेवलप करना एग्री यस सर ये तो भयानक है नहीं चलिए और मैं बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुंचा हूं नहीं था कि सर इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अब देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन से बहुत बड़ा कर डिस्प्लेसमेंट लेते बहुत बड़ा डिस्टेंस तो क्या एसएसएम करता सर नहीं करता हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन ही नहीं कर पाते जब तक बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं करते तो यहाँ पे इस टाइप का आता ही नहीं राइट यस सर इसे एसएसएम में करेगा लेकिन किस चीज के लिए करेगा वेरी लार्ज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन या वेरी स्मॉल के लिए वेरी वेरी स्मॉल के लिए यस सर अब समझ में आया कि इरोडप क्या चीज है बहुत पेशेंस रखना पड़ता है तब जाके आंसर आएगा हटाएं यस सर
देखिए, ये कोई इस टाइप का शेप का ट्यूब है और यहां से यहां तक का लेंथ एल है और यहां से यहां तक का लेंथ एल डैश है, ठीक है। और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा, एग्री। डिटरमाइन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मर्करी ऑफ मास एम यहां से यहां तक मरकरी है, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं? यस यस सर। तो यहां से यहां तक क्या है? मरकरी है, जिसका मास कितना है एम। और इस आर्म और इस आर्म के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है एस। एस क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और विस्कोसिटी ऑफ मर्करी इज नेग्लेक्टेड, मतलब यहाँ इसका एक ना विस्कोसिटी सब मतलब फ्रिक्शन ये सबको नेगलेक्ट करना, राइट। तो क्वेश्चन ए है स्टूडेंट, यहां देखिए कितना देर में ड्रॉ कीजिएगा, हो गया ड्रॉ? यस सर। बोलते कि नहीं आप लोग हैं कि हाँ सर ड्रॉ हो गया, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए, यहाँ से कोई हम लोग फोर्स लगाकर कुछ पिस्टन रहा होगा, राइट। इसलिए इस यहाँ के लेफ्ट आर्म को अगर एक्स से नीचे करेंगे तो राइट आर्म एक्स से ऊपर चला जाएगा इधर, एग्री ना? क्योंकि लिक्विड क्या है? इनकम्प्रेसेबल। यस सर। तो यहाँ पे एक्स स्लाइटली एक्स को नीचे कर दिए तो ए ऐसे चला जाएगा, ऐसे करके छोड़ दिया तब ए एस एच एम करेगा, ऑसिलेशन करेगा, तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, एग्री। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन निकले इसी क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, मतलब कल, ठीक है? यस सर। यस सर। और जब फ्लूड आ ही गया और अरमान बोल रहे हैं कि सर फ्लूड को मिक्स करके, तो सारा फ्लूड का मिक्स किया हुआ क्वेश्चन जो दो चार या पांच क्वेश्चन ले लेंगे तो आप रिदम में आ जाएगा, ठीक है। yes. दो तीन में ही आ जाएगा तो आपसे बन जाएगा फिर। बट फ्लूड का मोटा मोटी, अच्छा फ्लूड मैकेनिक्स का तो आरके साथ डिस्कशन कर दिए हैं अरमान। हाँ सर। ग्रेविटेशन का कर दिए हैं? ग्रेविटेशन का हुआ है या नहीं हुआ है? ग्रेविटेशन नहीं हुआ। ग्रेविटेशन नहीं हुआ है डिस्कशन? नो सर। फ्लूड? फ्लूड भी नहीं हुआ है सर हम लोग का। फ्लूड हम जानते हैं, ड्रॉपर का नहीं हुआ है। मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो आपको पता ही है। सर ड्रॉपर का भी तो साथ में हुआ था हम लोग का आईआईटी क्वेश्चन। सर फ्लूड हो गया था सर, पता ही नहीं है कि क्या क्या डिस्कशन नहीं हुआ है। ग्रेविटेशन नहीं हुआ है? नो सर, ग्रेविटेशन नहीं हुआ। अगर प्लीज अगर हो गया तो दोबारा नहीं टाइम इसमें वेस्ट करवाइए। जहां तक मुझे लगता है कि मैं फ्लूड का मैं ही क्वेश्चन सिलेक्ट करके दिया था सर को, और सरफेस टेंशन का सर, सर ने आईआईटी क्वेश्चन बैंक से करवाया था हमें। हाँ तो yes. बात तो यही है ना, अभी भी उसी का करवा रहे हैं, अभी कहां से करवा रहे हैं, उसी को दोबारा रिवीजन कीजिए। जी अभी सर। तो भी तो वहां से वहां से ही दिया हूं, तो जो हो गया एक ही चीज को बार बार करते रहेंगे क्या? एक चीज को दोबारा नहीं कर सकते हैं ना, इतना टाइम नहीं है। इसे अगर अभी ईएमडब्ल्यू हो रहा तो ईएमडब्ल्यू के बाद ग्रेविटेशन कर लेते हैं, राइट। यस सर। यस सर। थर्मल तो हो गया है, नो सर थर्मल नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। क्या बात करते हैं,
थर्मोडायनेमिक्स सर वाला नहीं हुआ सर, आर के सर का पार्ट नहीं हुआ है? नो सर, आर के सर का पार्ट नहीं हुआ, आपने मतलब आपका वाला करवाया था। आर के सर को जब भी करते था सर, एक कलेक्शन दिए थे ना आप 200 प्रॉब्लम का। तो सर वही जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था वो तो वो तो सर नहीं करवाए थे क्या आर के सर? नहीं सर, सर वो नहीं कराए हैं, मतलब आप अपना पार्ट सर करा दिए थे, बाकी बोले थे ये आर के सर कराएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो आर के सर को मैं भेज दूंगा, दोबारा कर देगा, ठीक है। अच्छा होगा, तो मतलब एक बार मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए कि आप लोग को आर के मतलब और क्या क्या फिजिक्स में चाहिए जेईई मेन के लिए रिविजन, एसएचएम और बेप छोड़कर भेजिएगा। इवन को रोटेशन भी नहीं करना था आर के सर को, क्योंकि रोटेशन मैं पढ़ा रहा था तो नहीं करता, क्योंकि उसमें रोटेशन में मुझे और भी कुछ क्वेश्चन टॉप भी कर लेना था, मैं रोटेशन का भी अरमान आपका खत्म नहीं हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है। यस सर, पर फिर भी एक बार जेईई मेन के लिए हो जाएगा, हम लोग पास टाइम रहेगा एडवांस, हम लोग कर लेंगे, पहले इसका एक बार देख लेते हैं ओवरऑल जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आर के सर से आपको और क्या क्या चाहिए, तो ग्रेविटेशन एक रहेगा, एक थर्मल रहेगा, रे ऑप्टिक्स तो हो ही गया है। हाँ सर, रे ऑप्टिक्स। यस सर, उसके बाद मैक्सिमम टाइम आप खुद का सेल्फ स्टडी में लगाइए, ठीक है। अभी टाइम मिला तो अगर एक बार कवर हो गया तो खुद से भी क्लास नोट्स वगैरह फॉलो करके खुद से भी ट्राई कीजिए। यस, चलिए आज के लिए इतना। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।